नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पांडा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल का रीवेरिफिकेशन कैसे फ़ोन करके करा सकते हैं। जी हाँ, 6 फरवरी 2018 तक आखिरी डेट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस नंबर को आपको रीवेरिफिकेशन कराना है उससे कॉल करना होगा, एक नंबर 14546। अब ये कहता है हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं और इंग्लिश के लिए दो, तो आप एक दबा सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो एक दबाएं। मोबाइल नंबर रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कृपया अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब ये कह रहा है मोबाइल नंबर रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखे आप। द्वारा भेजा जाएगा। मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए सहमति देता या देती हूँ और इसे सहमति देने के लिए आप एक दबाएं। आई के माध्यम से जनसंख्या के प्रमाणीकरण के लिए सहमति माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए अनुमति देने के लिए आपको एक दबाना होगा और अब आपको अपना आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट का वो इंटर करना होगा। तो मैं अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर इंटर करता हूँ इसमें। इंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ब खुद उस आधार नंबर को वेरीफाई करेगा और आपका आधार नंबर जो आपने इंटर किया है उसे बताएगा, मतलब वेरीफाइड करेगा दोबारा से कि आपने ये आधार नंबर इंटर किया। इसमें मोबाइल नंबर का सिम कार्ड मेरे पास है। आधार ओटीपी को शेयर करके मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराने के लिए अभी आपके आधार से सारे डिटेल्स जो है वो वैलिडेट करता है जो आपने आधार नंबर इंटर किया है। अब इसको पुष्टि के लिए आपको एक दबाना होगा और आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करने के लिए कह रहा है। तो आपको वो ओटीपी नंबर जो है इसमें एंटर करना है। जो आपको आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिया गया है। आपके नंबर पर रीवेरिफिकेशन प्रोसेस सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। 24 घंटे बाद आपके नंबर पर रीवेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए एक SMS आएगा। कृपया रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए SMS का जवाब। जैसे ही आप इसमें OTP फीड कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, तो ये कहता है कि आपके नंबर का मोबाइल रीवेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और 24 घंटे में कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा और इसे आप दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको यही नंबर डायल करना होगा। आप जो है दोबारा से अपनी लैंग्वेज चूज करके और दोबारा से एक दबा कर आप ये सुन सकते हैं कि आपको ये बताता है कि आपका जो नंबर है वो रीवेरिफिकेशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर का रीवेरिफिकेशन घर बैठे बैठे फ़ोन से करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।